بسم الله الرحمن الرحيم। दर्जे मौलवी के अजीज तलबा और तालिबात, आपके निसाब में सिराजी शामिल है। सिराजी में पोती के अहवाल आज बयान किए जाएंगे। पोती की 6 हालतें हैं। अगर पोती सिर्फ एक हो तो ऐसी सूरत में उसको निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलेगा। अगर पोती एक से जायद हो, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी जायद हो, तो अगर पोतियां एक से जायद हैं तो ऐसी सूरत में उनको सुलुसान यानी 2/3 हिस्सा उसको मिलेगा। ये तो उस सूरत में है जबकि सिर्फ पोती है। अब तीसरी हालत उसकी ये बताई जा रही है कि अगर पोती के साथ साथ एक बेटी है, पोती भी है और एक बेटी है, तो ऐसी सूरत में पोती को सुदुस मिलेगा यानी 6ठा हिस्सा मिलेगा। और उसकी वजह साहिब किताब फरमाते हैं, तक मिलतन लिसुलसैन, 2 सुलुस मुकम्मल करने के लिए, 2/3 मुकम्मल करने के लिए। इसलिए कि लड़की और पोती का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा 2 सुलुस होता है, 2 सुलुस होता है, 2/3 होता है। तो जाहिर है कि जब किसी मसले में लड़की हो और पोती हो तो पोती को, लड़की को चूँकि निस्फ मिल जाता है, आधा मिल जाता है, तो 2/3 पूरा करने के लिए अब सिर्फ 1/6 हिस्सा बाकी रहता है। इसलिए लड़की और पोती हो तो लड़की को निस्फ मिल जाएगा और पोती को सुदुस मिल जाएगा। और पोती को सुलुस इसलिए मिलेगा, तक मिलतन लिसुलसैन, 2 सुलुस मुकम्मल करने के लिए। अजीज तलबा, आप उसको मिसाल से यूं समझें लड़की पोती चचा, तो यहां लड़की को मिलेगा निस्फ, क्योंकि आपने पढ़ा इससे पहले वाले सबक में कि अगर सिर्फ लड़की एक हो तो उसको निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलता है। अभी वाले सबक में आपको ये बताया गया अगर पोती के साथ एक लड़की हो तो पोती को सुदुस मिलता है यानी 6ठा हिस्सा, और ये चचा असबा हो जाएगा। ये मसला बनेगा 6 से, 6 का आधा लड़की को मिलेगा यानी 3, 6 का 6ठा हिस्सा होता है 1, 6 का सुदुस 1 होता है, 1 मिल जाएगा पोती को, और 3 और 1 4 हुआ। अब बच 6 में से 4 चले गए, बचा 2। अब ये 2 असबा होने के है, ऐसे से चचा को मिल जाएगा। अजीज तलबा, आप इसमें गौर कीजिए कि लड़की और पोती के हिस्से को जब आप मिलाएंगे तो इन दोनों का हिस्सा 4 होता है, और ये 4 6 का सुलुसान है। इसलिए कि 6 का 1 सुलुस, 6 का 1/3 वो होता है 2, और 2/3 हो जाएगा 4। तो 3 और 1 4, लड़की और पोती का हिस्सा जब हम मिलाते हैं तो ये हो जाता 2/3 यानी 2/3 सुलुसान। इसी को साहिब किताब कह रहे हैं कि पोती को सुदुस इसलिए मिलेगा, तक मिलतन लिसुलसैन, 2 सुलुस मुकम्मल करने के लिए, यानी लड़की और पोती का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा 2/3 होता है। इसलिए 2/3 मुकम्मल करने के लिए अगर एक लड़की हो और पोती हो तो पोती को सुदुस मिलेगा। तो ये तो उसकी तीसरी हालत हुई। पोती की पहली हालत, एक हो तो निस्फ मिलेगा, आधा में हिस्सा मिलेगा, अगर एक से जायद हो तो उसको 2/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर एक बेटी हो और पोती हो तो ऐसी सूरत में पोती को 1 सुदुस यानी 6ठा हिस्सा मिलेगा, तक मिलता लिसुलसैन, 2 सुलुस मुकम्मल करने के लिए। और अगर पोती के साथ साथ एक से जायद लड़कियां हों, 2, 3, 4, 5 जितनी भी जायद लड़कियां हों, अगर पोती के साथ एक से जायद लड़कियां हैं तो ऐसी सूरत में पोती महरूम हो जाएगी। लेकिन साहिब किताब आगे ये कहते हैं कि अगर पोती के साथ साथ पोता भी है तो पोता की वजह से वो पोती असबा हो जाएगी, जो पोती की 5वीं हालत है कि अगर पोता के साथ, पोती के साथ पोता है तो ऐसी सूरत में पोती असबा हो जाएगी, और माल इन दोनों के दरमियान लिल ज़कर मिथ्ल हज़्ल उनसैन तकसीम होगा, यानी लड़के को 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर मिलेगा, यानी पोती को आधा हिस्सा मिलेगा पोते का, या दूसरे अल्फाज में यूं कहा जाए कि 2 पोती को जितना हिस्सा मिलेगा उतना 1 पोते को मिलेगा।
तो जब जब पोता और पोती दोनों हो तो ऐसी सूरत में पोती असबा हो जाती है और माल लिजरे लिस्ल हजल उनसेन तकसीम होता है। ये पोती की पांचवी हालत हुई। और पोती की छठी हालत यह है कि बेटे की वजह से महरूम। अगर किसी मसले में बेटा है यानी मरने वाले का बेटा मौजूद है और मरने वाले की पोती और पोता मौजूद है तो ऐसी सूरत में पोता और पोती को हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटे की वजह से पोता और पोती महरूम हो जाएगी, इसलिए कि बेटा असबह करीब है और पोता असबह बाहिद है। जो करीब का है उसको हिस्सा मिलेगा, जो दूर का है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो पोतियाँ पोती की छह हालतें बताई गई। पहली हालत कि अगर एक हो तो निस मिलेगा, दो या दो से ज़ायद पोतियाँ हों तो ऐसी सूरत में उसको सुलसान मिलेगा। अगर एक पोती के साथ एक बेटी हो तो उसको सुदुस मिलेगा, और अगर पोती के साथ दो बेटियां या उससे ज़ायद बेटियां हो तो पोती महरूम हो जाएगी। पोती के साथ पोता भी हो तो ऐसी सूरत में पोती असबा होगी। और छठी हालत यह है कि पोती के साथ अगर बेटा है तो बेटे की वजह से वो महरूम हो जाएगी। अब आइए किताब की इबारत को पढ़िए। व बनातुल इब्न के बनातुस सुल्ब, बनातुल इब्न यानी बेटे की बेटियां। बेटे की बेटियां कौन होती हैं? बेटे की बेटियां वो पोतियां होती हैं। के बनातुस सुल्ब वो हकीकी बेटी की तरह हैं, यानी इससे पहले हकीकी बेटी की तीन हालतें बताई गई हैं। आप जब गौर करेंगे उनमें तो पोती की जो हालत बयान की जा रही है वो ठीक तीनों हालतें पोतियों की भी हैं। अब आगे कह रहे हैं वाला हुन अहवाल सित्तुन, कि पोतियों की तीन छह हालतें हैं। अनिस्फ लिल वाहिदती, पोती अगर एक हो तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा। वस्तुलसान लिल इसनतैन फसाइदन इंद अदम बनात सुल, अगर पोतियां दो या दो से जायद हों तो ऐसी सूरत में उनको दो तिहाई मिलेगा। वो किस सूरत में? जबकि हकीकी बेटी ना हो। अब आगे करें तीसरी हालत वलहुन्न सुदुस माल वाहिदतिस सुल्बिया, और अगर उनके साथ एक बेटी हो तो ऐसी सूरत में उनके लिए सुदुस होगा यानी छठा हिस्सा होगा। तकमिलतन लिसुलसैन, साहब किताब फरमाते हैं तकमिलतन लिसुलसैन, दो सुलुस मुकम्मल करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको मिसाल देकर बताया कि लड़की पोती और चचा हो तो ऐसी सूरत में लड़की को निस्फ मिल जाएगा, पोती को सुदुस मिलेगा, चचा असबा होगा। मसला छह से बनेगा, छह से मसला बनने के बाद तीन मिल जाएगा लड़की को, पोती को छठा हिस्सा एक मिल जाएगा और चचा असबा होने की वजह से दो हिस्से ले लेंगे। तो पोती को जो सुदुस दिया गया है तक मिलतन लिसुलसैन, दो सुलुस मुकम्मल करने के लिए, यानी लड़का लड़की और पोती का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा दो सुलुस होता है, दो तिहाई होता है। आप जब गौर करेंगे अजीज तलबा तो तीन और एक चार, ये छह का दो सुलस होता है। तो दो सुलस इनको दे दिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि सुदुस इसलिए दिया गया है ताकि दो सुलस मुकम्मल हो जाए। तक मिलतन लिसुलसैन, दो सुलस मुकम्मल करने के लिए। वला यरिस नमाज सुल्बियतैन, और ये पोतियां दो हकीकी बेटियों की मौजूदगी में महरूम हो जाएंगी। दो बेटी हो या दो से ज्यादा बेटी हो तो ऐसी सूरत में पोतियां महरूम हो जाएंगी। इल्ला अन यकून बहज़ाहिन्न अव असफल मिनहुन्न गुलामुन, इल्ला ये कि उसके मद्दे मुकाबिल कोई पोता हो या उससे नीचे कोई लड़का हो तो वो उसको असवा बना देगा। मसलन पोता के साथ पोती के साथ पोता है तो पोते की वजह से वो पोती असवा हो जाएगी, या पोती के साथ पर पोता है उससे नीचे दर्जे का लड़का है तो भी इस पर पोते की वजह से वो पोती असबा हो जाएगी। यानी उसके मद्दे मुकाबिल में कोई लड़का हो या उससे नीचे कोई लड़का हो वो लड़का उस पोती को असबा बना देगा। वल बाकी बैनहुम लिद्दकर मिथ्ल हद्दिल उनसैन, यानी असहाब फराइज को हिस्सा देने के बाद जो माल बचेगा वो पोते और पोती के दरमियान लिद्दकर मिथ्ल हद्दिल उनसैन तकसीम होगा, यानी लड़के को दो हिस्सा मिलेगा और लड़की को एक हिस्सा मिलेगा। वयस्कुत न बिल इब्न, और ये पोती साकित हो जाएगी बेटे की वजह से, यानी जहाँ पर बेटा पाया जाएगा, अगर मैयत ने छोड़ा बेटे को और पोती को तो ऐसी सूरत में पोतियाँ महरूम हो जाएंगी। अजीज़ तलबा, आप इसको दलील हस्र के ज़रिए भी इस तरह समझ सकते हैं कि मैयत ने पोती के साथ बेटा को छोड़ा होगा या नहीं छोड़ा होगा। अगर मैयत ने पोती के साथ बेटे को छोड़ा होगा तो ऐसी सूरत में पोती महरूम हो जाएगी, और अगर मैयत ने
पोते के साथ बेटी को नहीं छोड़, पोती के साथ बेटे को नहीं छोड़ा है, तो फिर वो दो हाल से खाली नहीं, या तो उसके साथ पोता होगा या पोता नहीं होगा। अगर पोता होगा तो ऐसी सूरत में पोती असबा हो जाएगी, और अगर पोता को नहीं छोड़ा है तो फिर वो दो हाल से खाली नहीं, कि या तो पोती एक होगी या एक से जायद होगी। अगर पोती एक है तो उसको निस्फ मिलेगा, और अगर पोती एक से जायद है तो उसको सुलसान मिलेगा। फिर ये कि मैयत ने पोती के साथ लड़की को छोड़ा होगा या नहीं छोड़ा होगा, अगर लड़की को छोड़ा है तो फिर वो दो हाल से खाली नहीं, एक लड़की को छोड़ा है या एक से जायद लड़की को छोड़ा है। अगर एक लड़की को छोड़ा है तो पोती को सुदुस मिलेगा, और अगर एक से जायद लड़की को छोड़ा है तो ऐसी सूरत में पोती महरूम हो जाएगी। ये उसकी दलील हस्र हुई मुख्तसर तौर पर समझने के लिए। लेकिन अजीज तलबा, आपको इस सबक को जहननशी कर लेना होगा कि पोती के कितने अहवाल हैं। जब तक कि आपको अहवाल याद नहीं होंगे, उस वक्त तक सिराजी का जो मसला बनाना होगा और मैयत की प्रॉपर्टी को जब तकसीम करने की बारी आएगी, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को तकसीम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक के असहाबे फराइज के अहवाल आपको मालूम ना हो। आपको इससे पहले वाले सबक में मर्द में जो चार असहाबे फराइज हैं उनके अहवाल बताए गए, और अभी पोती के अहवाल बताया गया, और इससे पहले बीवी और बेटी के अहवाल बताए गए थे। इन अहवाल को अच्छी तरह जहन नशी करना होगा। आपको आज के सबक में कहीं समझने में कोई दुश्वारी हो या आपको कोई एतराज़ और इश्कार हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसे लिखें, इंशाअल्लाह उसके तशफ़ी बख्श जवाब की कोशिश की जाएगी। आज का सबक इतना ही, बख़ैर आइंदा इंशाअल्लाह।